शाही स्नान होते हैं, स्नान होते हैं, तो क्या क्षिप्रा में नहाने से क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? नहीं, देखिए ये जो शाही स्नान है और ये क्षिप्रा में या गंगा में या यमुना में नहाने से पाप नष्ट होते हैं, ये पापों के नष्ट होना और पुण्य की प्राप्ति होना ये तो हमारे संकल्प पर है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति मैं भविष्य में पाप नहीं करूँगा, अब तक जो किए हैं उनसे प्रायश्चित कर ले और भविष्य में नहीं करूँगा, ऐसा किसी खास अवसर पर अगर कोई प्रायश्चित कर लेता है तो उसकी पाप से मुक्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर ले और फिर वैसा ही पुनः करे तो ये एक अवसर होते हैं, अवसर होते हैं, कुंभ मेला जैसे हो गया या ऐसे कोई संतों का सत्संग हो गया या कोई गुरु की शरण में जाता है, गुरु मंत्र लेता है, तो ये सब चीज़ें हमें अवसर देती हैं कि हम बुराइयों को छोड़ें और अच्छाइयों को जीवन में अपनाएं। और जब करोड़ों लोग कहीं एक संकल्प के साथ एकत्रित होते हैं तो ऐसे अवसर पर बहुत सारे लोगों को अपने संकल्प, जिनके कमज़ोर संकल्प हैं उनको अपने संकल्प मजबूत करने का अवसर देते हैं। और वो मजबूत संकल्प से जब कोई संकल्प लेते हैं कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, तो फिर सीधी सी बात है कि वो पाप मुक्त होकर के पुण्य की ओर बढ़ता है। महाराज, ये भी है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि भाई जैसा करेगा वैसा भोगेगा, रामचरितमानस में भी कहा गया कि जो जैसे करें सो तैसे फल चाखा, तो वो क्या है? नहीं, जो भाई देखिए ऐसा है कि जो जैसा करेगा उसको उसके अनुसार फल की प्राप्ति होना तो स्वाभाविक है। मैं उसके पक्ष में या विपक्ष में कुछ नहीं कह रहा। आप जैसा करेंगे, शुभ करेंगे तो शुभ की प्राप्ति होगी, अशुभ करेंगे तो अशुभ की प्राप्ति होगी। कुल्हाड़ी पैर मारेंगे तो आपका पैर कटेगा, हैं, खून आपका बहेगा, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरा तो तर्क सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप गंगा में डुबकी लगा रहे हैं या छपरा में डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही आप अपने पूर्वजों को स्मरण करके ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, अब तक जो किए हैं उनके लिए मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूं और आज के बाद मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना है जो मानवता के विरुद्ध हो, मेरी सबसे बड़ी गवाही क्या सही है क्या गलत है इसकी कौन देता है? हमारा हृदय देता है। कोई भी चीज़ क्या गलत है क्या सही कर रहे हैं हम, वो हमारा हृदय उसकी गवाही देता है। तो हम अगर संकल्प कर लें कि आज के बाद हमने कुछ भी गलत नहीं करना है, तो फिर उससे बड़ा पाप से छुटकारे का और कोई साधन नहीं है। और उसके बाद अगर हम कोई भी गलत ऐसा कार्य ना करें जो गलत हो, गलत हमें कोई और नहीं बताएगा, हमारा हृदय बताता है। जब भी कोई कार्य हम करने लगते हैं तो अगर कोई कार्य करते हुए हमारा हृदय मन प्रसन्न है तो समझ लीजिए वो शुभ है, और हमारा मन अगर खिन्न है, हमें भय लग रहा है, पसीना आ रहा है, तो समझ लीजिए वो गलत है। तो गलत सही करने का और सही करने का निर्णय भी हमें लेना है, गलत करने का भी हमें निर्णय लेना है। इसमें कोई दूसरा कहीं डुबकी लगाने से मुक्त हो जाएंगे हम, ये संभव नहीं है। हाँ, डुबकी लगाना एक हमें अवसर देता है कि डुबकी लगाते के साथ ही हम संकल्प कर लें कि आज से हमने कुछ गलत करना नहीं है। प्रदूषण का कारण है, इसमें जाएंगे आप तो ये प्रदूषण का कारण जो है ये अंधाधुंध औद्योगिकीकरण और नदियों के तटों पर ज़्यादा बड़े शहरों का बसना, बड़े बड़े नगरों का सीवरीकरण, और उन सीवरों की जो दिशा है सब नदियों की ओर है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी शहर में, चाहे मुंबई से लेके कोलकाता से लेकर के, जल स्रोतों की तरफ ही उनका झुकाव है। जितने भी सीवर डाले गए हैं या जलमल निकासी के जितने साधन हैं, उनका जो ढलान है वो जल स्रोतों की ओर ही है।
अब इतने बड़े जो सैकड़ों वर्ष से जो डाले गए साधन हैं, जो पूरा जाल बिछा हुआ है, उस सारे को बदलना, पूरी संरचना को बदलना, ये एक बहुत बड़ा काम है। कह देना और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये कोई हम लोगों का केवल जनता तो इतना कर सकती है उसमें कि भाई जनता के हाथ में इतना है कि वो फूल ना डाले, अगरबत्ती के टोंटे ना डाले, हैं, साबुन लगा के ना नहाए। जनता के हाथ में इतना है, अगर इतना वो करती है तो उसका 10% नदी और जल स्रोतों को हम प्रदूषण से बचा सकते हैं, केवल 10%। लेकिन 90% प्रदूषण जो है वो बड़े बड़े मिलों से, कारखानों से और भूक्षरण से, जो भूमि में खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है उससे, और बड़े बड़े जो नगर हैं और उनके सीवरेज से जो आ रहा है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हम नदियों का प्रदूषण नहीं मुक्त नहीं कर सकते। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को एक बड़े बहुत बड़ी बृहद योजना की आवश्यकता है, और बृहद योजना में पूरे शहरों के नवीनीकरण की आवश्यकता है, और ये इसको आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और कहने की बात तो ये है कि कोट क्योटो बना लो, ये बना लो, ये कागज़ों में है, और इसको ज़मीन पर लाने के लिए पूरे पूरे शहरों की संरचना आपको बदलनी होगी, और सरकारें भी जानती हैं, सब जानती हैं, लेकिन भाषण सुनने में अच्छे लगते हैं, करने में बहुत कठिन है।